वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से, ताकि आपको सही राय मिले, सही गाइडेंस मिले। और अभी आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज पर जाना है, टाइप जी मनी हेल्थ शो ऑन यूट्यूब और उसके बाद हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हर टॉपिक पर वहां पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज के शो की अगर मैं बात करूं तो आज के शो में हमारे साथ जुड़ रही है नासिक से डॉक्टर श्रुति पत्नी, और जो कि एक डेंटल सर्जन है, पिछले 6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं डॉक्टर पत्नी डेंटल केयर नासिक से। सो डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट मैम। सो डॉक्टर पत्नी, हम लोग डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा, यू नो, चाहे वो दांत का सड़ना हो, सेंसिटिविटी हो, हमेशा हम जागरूक रहते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जो है ड्राई माउथ, जिसे हम क्लिनिकल टर्म्स में जेरोस्टोमिया कहते हैं। तो आज उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ये जेरोस्टोमिया क्या होता है। Actually, you can say it is not a disease. It is basically a condition. Condition as in, क्या है, तो एक नॉर्मल इंसान इसको बोल सकता है कि मेरा मुंह सूख जा रहा है यार। अभी उसको, उनको ये नहीं पता कि इसका कुछ तो है, इसको एक कॉजेस है, मतलब ये सबके साथ नहीं होता है, राइट? कुछ कुछ कंडीशंस है या फिर कुछ है जिसके वजह से ड्राई माउथ होता है। तो we can say it is basically, in short, xerostomia is a dry mouth. मतलब मेरा मुंह सूख जाना या फिर मुझे बार बार प्यास लगना, it is basically a dry mouth. और मैम, अगर किसी का ड्राई माउथ है तो क्या क्या सिम्टम्स है, क्या बैड ओडर आता है, क्या फील होता है? कंडीशन भी कैसे कि क्या एग्जैक्टली कि कैसे पता चलेगा कि मुझे ड्राई माउथ है? फर्स्ट ये सब नॉर्मली अभी समर चल रहा है, वेरी गुड टॉपिक, यू नो, कि समर में लकी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ड्राई माउथ जैसी कंडीशन जो अभी इसमें बहुत कॉमनली होता है। फर्स्ट थिंग वी कैन से कि फ्रीक्वेंटली अल्सर्स आना, राइट? कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि हर 7 दिन में मुझे अरे छाला आ रहा है, अरे मुझे छाला, कहीं ना कहीं पे मुझे इरिटेशन हो रहा है, राइट? सेकेंड थिंग वी कैन से कि बाबा बर्निंग सेंसेशन, मुझे कुछ मुंह जल रहा है, या फिर टेस्टलेस फीलिंग, मतलब कोई खा रही हूँ मैं, कुछ खाना खा रही हूँ, मुझे उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे एकदम बेकार सा लग रहा है वो खाना, भले वो कितना भी मस्त बना हो, पर फिर भी मुझे उसका खाने का मजा ही नहीं आ रहा है। राइट? द थर्ड वी कैन से इज लाइक मुंह सूख जाना, तो क्रैक लिप्स होंगे, मतलब आपके लिप्स, अगर आपके लिप्स को यही नहीं मिलेगा, वाटर इंटेक ही नहीं मिलेगा, तो मुंह सूख जाएगा, एंड देन उसे बेसिकली फिर वो लिप्स पे भी अफेक्ट करता है, तो आपके क्रैक लिप्स में सूखे सूखे होंट दिखेंगे। ओके, या सो दैट्स इट, मतलब ये सारे सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे ड्राई माउथ है। ओके, एंड मैम क्या, क्योंकि अब ड्राई माउथ है, मुंह सूख रहा है, मतलब वाटर इंटेक कम है, तो क्या फाउल स्मेल या बैड ओडर भी आता है इसमें? यस, बैड ओडर आता है, क्योंकि क्या होता है कि माउथ क्लेंजिंग नहीं हो पाता, राइट? मतलब नॉर्मली जो हम लोग कहते हैं सलाइवा में क्लेंजिंग एक्टिविटी रहता है, जो कुछ खाना पसे तो उसको नॉर्मली क्लीन कर देता है, पर अगर आपका सलाइवा फ्लो ही कम है तो क्लीन नहीं कर पाएगा, क्लीन नहीं कर पाए तो वहां पे जाके जो खाना है वो फंसा रहेगा। डेफिनेटली फिर कोई बोल सकते कि आप एक यू सेड कि बैड ब्रेथ में होता है, बैड ब्रेथ होगा, जैसे मैंने बोला कि फूड लॉजमेंट होगा वहां पे, अगर दांत पे टिका रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर दांत पे जो खाना है वो जमा रहेगा, तो वो डेफिनेटली कैविटीज करेगा, जैसे आपने एड में देखा होगा दांत पे सड़न आ रही है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन पे फूड उस पे टिका रहता है, उस सरफेस पे वो क्लीन नहीं हो पाता है, राइट? क्योंकि हम लोग नॉर्मली, मुझे लगता है 90% इंडियंस सुबह ब्रश करते हैं और डायरेक्टली फिर दूसरे दिन सुबह ही करते, रात को कोई ब्रश नहीं करता, ये हम बोलते हैं कि हमारी पता, लेकिन हम बोलते हैं कि रात को ब्रश करो, दे डोंट डू इट। तो नॉर्मली ये जो सलाइवा है, तो सलाइवा उसको क्लीन करती रहती है, तो वो क्लीनिंग एक्टिविटी नहीं होता, तो देन कैविटीज होगा, फिर आपको जब ये ड्राई माउथ है, तो जस्ट सलाइवा है, तो आपको कैसे प्रॉपर बात करने में इजी जाता है, मैं भी बात करती हूँ अपन को इजी लगता है, और जैसे आपका ड्राई माउथ है, सलाइवा आपको रिड्यूस हो जाएगा, समझो, तो आपको बात करने में, इवन थूक निगलने में, या फिर खाना खाने में, खाना निगलने में भी तकलीफ होता है, क्योंकि यू डोंट गेट दैट फीलिंग ना, सब ऐसे ड्राई ड्राई सा तो खा रहे हैं ऐसे वाला। तो मैम इसके क्या वजह है, मतलब क्या आप समझ लीजिए कि ये किसी और डेंटल प्रॉब्लम का भी लक्षण है, या मतलब क्या कोई मेडिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग बीपी डायबिटीज की भी गोलियां लेते हैं, गोलियों से भी मुंह सूखता है मेडिकेशन से, तो ओवरऑल और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलेंगे अभी नॉर्मली जो सबके लिए कॉमन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई वेदर, जैसे अभी समर चल रहा है, फर्स्ट थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अभी
जो वेदर है बाहर जैसे रहेगा उस हिसाब से अपना बॉडी कंडीशन होगा राइट. तो फर्स्ट वी कैन से ड्राई वेदर, सेकंड इज कि वहां हम लोग इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक नहीं कर रहे हैं. नॉर्मली जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है. डिहाइड्रेशन की वजह से वो नॉर्मली इफेक्ट करता है फिर अपना सलाइवा. देन थर्ड इज वी कैन से कि कोई अगर पेशेंट है जो कैंसर थेरेपी के लिए जा रहा है, रेडिएशन थेरेपी के लिए जा रहा है. तो रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन जब आपके हेड नेक फेस ये रीजन पे जाता है तो नेचुरली आपके सलाइवा ग्लैंड को अफेक्ट करता है. सलाइवा ग्लैंड से वी कैन से कि जो बोल सकते जो ऐसे ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं राइट, मतलब जिसकी वजह से सलाइवा बनता है फाइन, तो वो अफेक्ट कर देता है. तो ऑब्वियसली सलाइवा फ्लो इंटेक्ट हो जाएगा तो ये सब रीजन आएगा. तो मोस्टली हमने देखा है कि जो कैंसर पेशेंट्स है जो केमोथेरेपी के लिए जाते हैं तो उनमें ये देखा गया है. एंड या एग्जैक्टली. Then third is you said कि वक्त medication. So medications there जो कुछ antidepressants है, antihistamines है. अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा पर antidepressants है जो कुछ है जिसके side effect है saliva reduce होना. अच्छा. And ma'am क्या ये बच्चों में भी देखा जाता है, क्या कोई particular age group है कि dry mouth की condition इस इन लोगों को ज़्यादा देखी जाती है? एजिंग में दिखा जाता है, एज एज थोड़ा बढ़ते जाएगा तो सलाइवा के जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होते जाएगा. देन थोड़ा सा उसमें एंड देयर इज वन डिजीज लाइक हम उनको जोग्रन सिंड्रोम बोलते हैं. एक एक्चुअली दिस डिजीज जोग्रन सिंड्रोम हम बोलते हैं उसको. या सो बेसिकली इट इज लाइक कि आपके ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा. ग्लैंड्स अफेक्ट करेगा तो जैसे मैंने बोला कि इट इज ऑल अबाउट की सलाइवा जो ग्लैंड्स है जो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे उनको अफेक्ट करेगा तो नेचुरली सलाइवा रिड्यूस हो जाएगा. अच्छा मैम एक और चीज आपसे पूछनी है कि ड्राई माउथ होना क्या ये डेंजरस हो सकता है या बस एक नॉर्मल कंडीशन है इसका इलाज होना चाहिए? डेंजरस वी कैन से नॉट दैट एक्सटेंट. अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ही टाइम से मतलब क्रॉनिकली आपको लग रहा है कि यार मेरा फिर भी ड्राई माउथ ही है, मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, तो देन इट इज डेंजरस. एंड फिर भी आप इग्नोर करे जा रहे हो. जैसे वी कैन से अब जो केमोथेरेपी वाले पेशेंट्स है जो रेडिएशन मतलब जिनको लेने पड़ती है केमोथेरेपी, इट इज डेंजरस क्योंकि अगर वो उसमें ध्यान नहीं देंगे एंड वो जो केमोथेरेपी सेशन अटेंड करने जाएंगे उनका सलाइवा खुद रिड्यूस हो रहा है अगर वहाँ पे वो अननोटिस्ड रहेगा तो दैट विल बी अ डेंजरस. नॉर्मली ये सीजन वाले जो सबको होते रहता है दैट इज ओके कि अब मुझे थोड़ा सा ड्राई माउथ लग रहा है, मुझे पानी पीने का बहुत मन है, दैट इज ओके. बट ये सारी कंडीशन में जैसे कोई मेडिकेशन ले रहा है, मेडिकेशन तो सडनली आप बंद नहीं कर सकते. मेडिकेशन तो आपको सालों से खानी है राइट. दैट मतलब दैट बिकम क्रॉनिक कि क्रॉनिकली आपको मेडिकेशन खा रहे हो, आपको रोज मेडिकेशन लेनी पड़ रही है एंड उसका जो साइड इफेक्ट है वो सलाइवा इंजेक्ट ये कर रहा है तो फिर वहां पे बोल सकते कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा वो. अच्छा मैम एक और चीज, अक्सर ड्राई माउथ की जो कंडीशन है वो रात को ज्यादा उभर कर आती है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? या दैट इज वेरी एक्चुअली से बहुत सारे रीजंस हैं पर फर्स्ट वी कैन से कि ये पानी नहीं पी रहे हैं. कोई कोई ऐसा रात को लोग पानी इसलिए भी नहीं पीते कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा तो पानी नहीं पीता है इंसान. तो वो एक है. सेकेंड इज की दैट इज वेरी फनी रीजन. सेकेंड रीजन जो मैं बोल रही हूँ किसी किसी को मुंह खुला रख के सोने की आदत है राइट, तो ऑब्वियसली ड्राई माउथ हो जाएगा अगर आप मुंह खुला रख के सो गए राइट. तो दैट इज थिंग. थर्ड इज की बाबा आप कुछ बोल सकते ना कि कुछ हेल्दी नहीं खा रहे हो, सब ड्राई ड्राई चीजें खा रहे हो, जैसे स्नैक्स स्नैकिंग हो गया जिसमें आपको कुछ फ्लूइड इंटेक नहीं मिल रहा है. हाँ राइट दैट इज द थिंग. एंड देन वी कैन से मेडिकेशन के साइड इफेक्ट एक वो रह गया. और मैम इसका अगर डेंटिस्ट के पास जाया जाए और इसे एक सीरियस कंडीशन की तरह ट्रीट किया जाए तो क्या माउथ वॉशेस, टूथपेस्ट, टैबलेट्स, इसका इलाज क्या है? क्रॉनिक ड्राई माउथ को ट्रीट कैसे किया जाता है? क्रॉनिकली वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले तो अंडरलाइन कॉजेस देखेंगे कि क्यों हुआ है. अगर मेडिकेशन की वजह से हुआ है तो मेडिकेशन का मे बी वी कैन से हम दूसरी टैबलेट लेंगे जो सलाइवा रिड्यूस नहीं करेगा. बट फिर भी अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं एज अ डेंटिस्ट, हम लोग सलाइवा की स्टिमुलेंट जो बोल सकते ना दवाई रहता है हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं. और फर्स्ट वी कैन से कि प्रिवेंटिव मेजर मतलब ये तो बहुत क्रोनिक केसेस के लिए हो गया. नॉर्मल लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं कि आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहो, ये स्पेशली फॉर द समर सीजन राइट. तो आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहो, इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक रहना चाहिए, जूसी फ्रूट्स खाने चाहिए जैसे वाटरमेलन इज वेरी गुड फॉर दिस सीजन, वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है राइट. सो आपको ये सारी वॉटर ये आपको फ्रीक्वेंटली खाते रहना चाहिए. लेमन इज अ वेरी गुड सोर्स. ये
दिस इज फॉर द नॉर्मल पीपल कि अरे ये सब आप करोगे तो वहां तक इतना जाएगा ही नहीं। अगर इलाज करने की बात आई तो मैम, इलाज करने की बात आई तो वी कैन से कि एक भाई मैंने आपको बोला कि आर्टिफिशियल सलाइवा भी सब्स्टिट्यूट आता है जो हम लोग पेशेंट टू पेशेंट पे हम प्रेस्क्राइब करेंगे, मतलब सबको हम नहीं दे सकते, कुछ केसेस में हमको देते आता है या फिर जिसको जरूरत है उसमें देंगे। बट एट होम भी काफी कुछ किया जा सकता है, चाहे फ्रूट्स है, जूसेस है और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Yes. And second thing I can say कि अगर किसी को होम रेमेडी, जैसे अभी आजकल सारे गूगल वाले हैं, सबको इलाज जानना है, राइट? तो वी कैन से कि एट होम रेमेडीज क्या कर सकते हो आप, तो एक यू नो DIY की तरह, तो यू हैव टू सक दिस आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब क्या करेगा, आप आइस क्यूब को सक करोगे तो वो सलाइवा को स्टिमुलेट करेगा कि ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके अरे और सलाइवा बनाओ। तो ऑब्वियसली फिर वो, हाँ एग्जैक्टली, सो वी कैन से कि एक आइस क्यूब आप सक करते हो तो एक नेचुरली वो सलाइवा फ्लो आपका बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर श्रुति, ऐसा भी है कि ठंडा पानी पीने से मुंह ज्यादा सूखता है? तो यही शो पे हम करते हैं कि बिकॉज कई सारे लोग कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि अगले शो में आप ये पूछेगा, सो ठंडा पानी पीने से ऐसा नहीं है कि ड्राई माउथ होता है। या जो बहुत कम पेशेंट्स के लिए होगा, जो अल्कोहल एंड बोल सकते हैं ना अल्कोहल टोबैको ज्यादा ओवर यूज है, तो वैसे पेशेंट के लिए अगर वो मतलब प्रिवेंशन के लिए देखा जाए तो आपको आपका अल्कोहल टोबैको या फिर कैफीन इंटेक थोड़ा कम करना पड़ेगा। जस्ट यू सेड कि अब ठंडा पानी पीने से, तो वी कैन से कि ठंडा पानी पीने से, पर आप अगर ये ओवर यूज कर रहे हो, मतलब ओवर इंटेक है आपका अल्कोहल है या फिर टोबैको है या फिर कैफीन, इवन कैफीन भी, तो अगर आप वो रिड्यूस करते हो तो डेफिनेटली आपका सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं सलाइवा कम होने के, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ड्राई माउथ है तो बैड ओडर उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। एंड डॉक्टर श्रुति, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, सो एनी वन टिप दैट पीपल डोंट नो दैट यू वांट टू गिव टू एवरीबॉडी फॉर ड्राई माउथ दैट इज जेरोस्टोमिया, प्लीज सबको बताइए। इट इज लाइक थोड़े दिन के लिए ओके, समर सीजन में दैट इज ओके, बट अगर वो क्रॉनिक है तो उसको इग्नोर प्लीज मत कीजिए। एंड अगर आपको ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे मैं डाउटफुल हूँ कि मेरा सच में मुझे ड्राई माउथ है या नहीं है, तो आप प्लीज एक बार चेक कराइए। नॉर्मली हम लोग चेकअप हर किसी को रिकमेंड करते हैं एवरी सिक्स मंथ, जस्ट टू सी कि सब ठीक है ना। अगर सब ठीक है तो अननेसेसरी कोई डेंटिस्ट आपके दांत में ड्रिल नहीं करेगा, राइट? तो इफ समथिंग इज रॉन्ग तभी वो आपके दांत में सलाह देंगे। जस्ट ऐसे कि अब आपको फिर भी ऐसे है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे ड्राई माउथ कंडीशन है नहीं है, एक बार डेंटिस्ट से विजिट करके आइए। हम प्रॉपर, हमारे पास कुछ मेथड्स है, कुछ टेक्नोलॉजीज है जिससे हम चेक कर पाएंगे कि सलाइवा सच में रिड्यूस हुआ है कि नॉर्मल कर दिया। ओके, सो डॉक्टर श्रुति ने कहा है कि अगर आपको थोड़े से लक्षण देखने को मिल रहे हैं, दिक्कत है, तो घबराना क्यों है, डेंटिस्ट के पास जाइए और चेकअप कराइए ताकि सही समय पर जो चीज है वो डिटेक्ट भी हो जाए। सो उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति, आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़ी और इतने अच्छे टिप्स आपने सबको दिए, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी डॉक्टर श्रुति, जिनसे आज हमने डिस्कस किया जेरोस्टोमिया के बारे में। देखिए, हर वो छोटी बड़ी चीज जो कि आपके मन में है, सवाल आते हैं, जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट की राय ही आपको मिलती है जी मनी हेल्थ शो पर। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।